नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, साल 2024 में नए साल पर ये चार राशि के लोग बनेंगे करोड़पति, लेकिन चार राशि के लोगों को रहना होगा सावधान, चार राशि वालों की लगेगी लॉटरी। दोस्तों, सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024, आज के इस वीडियो में जानेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार 2024 में आपकी किस्मत कैसी रहेगी, नौकरी में क्या बदलाव होने वाला है, व्यवसाय में आपको कितनी प्रगति मिलने वाली है, नया साल आपके लिए किस तरह से भाग्यशाली होगा, इस वीडियो में सारी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। दोस्तों, जल्द ही नया साल 2024 का आगमन होने वाला है और हर किसी को आने वाले साल का बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी लोग ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि आने वाला साल, नया वर्ष हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा और उनकी किस्मत कैसी रहेगी, नौकरी में क्या क्या बदलाव होने वाला है, व्यवसाय में कितनी प्रगति मिलने वाली है, बैंक बैलेंस में कितना इजाफा होगा, स्थिति में कितने सुधार आएंगे, नया साल आपके लिए कितना भाग्यशाली होगा, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन कैसा गुजरेगा, सेहत में कैसे असर होगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, विदेश की यात्रा कैसी होगी, घर परिवार में क्या माहौल हो रहेगा। तो सारे सवालों का जवाब आज मैं आप लोगों को राशि के अनुसार, सभी 12 राशियों के अनुसार बताऊंगा। ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2024 में शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, हम आपको ज्योतिष के आधार पर ही बताएंगे कि आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाला है, आपको क्या क्या फायदा मिलने वाले हैं और 2024 में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके अध्यात्म उन्नत हो, आप धनवान पैसा वाले बने, गुणवान बने, आपके घर में सुख शांति का वास हो। जैसे कि आप कोई लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे हैं तो उससे निकलने का सबसे आसान उपाय भी बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2024 में ध्यान से सुनिएगा, शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अपनी यात्रा को विराम देंगे और मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वहीं राहु केतु 2024 में मीन राशि और कन्या राशि में गोचर करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को हर वीडियो में जो बता रहा हूँ या बताता हूँ कि ग्रह नक्षत्र जब अपनी चाल बदलते हैं, अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपने कभी कभी जरूर देखा ही होगा कि अचानक से आपके जीवन में कभी कभी पैसा मिलने शुरू हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते, और अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में पैसे जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें घाटा की ओर ले जाते हैं, लॉस की ओर ले जाते हैं, हमारे ज़िंदगी में पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो ये ग्रहों की चाल के कारण होता है। तो आज मैं 12 राशि की बात करूंगा कि 2024 में कौन कौन सी राशियों को लाभ मिलेगा, कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकेगी, कौन सी राशियों की लॉटरी लगेगी, कौन सी राशि की किस्मत चमकेगी और किन राशियों को होगा भयंकर नुकसान, ये भी बताएंगे। कौन कौन सी राशियों को नुकसान भी मिलेगा और नुकसान से बचने का सरल तरीका भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में लिख दें जय माता लक्ष्मी, क्योंकि दोस्तों इन राशि वालों पर माता लक्ष्मी जी की ही विशेष कृपा बनने वाली है साल 2024 में। सर्वप्रथम जानते हैं मेष राशि। तो आपके लिए यानी कि गुरु और शनि 2024 में ये दोनों योग कारक ग्रह होते जा रहे हो, यानी कि बनेंगे। तो साल 2024 में दोनों ग्रह मेष राशि को उच्चतम फल प्रदान करेंगे और माता लक्ष्मी जी की भी आपके ऊपर असीम कृपा बरसेगी, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, धन व्यापार में भी आपको बहुत फायदा होगा, रुके हुए तमाम कार्य पूर्ण होंगे। मेष राशि को आपके ऊपर माता लक्ष्मी की सबसे ज़्यादा विशेष कृपा बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि अगर आप निश्चित तौर पर अगर हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें और मंगलवार के दिन अगर आप गुड़ चने बंदरों को खिलाएं तो विशेष लाभ होगा, इससे मेष राशि को आपकी जो अशुभ योग हैं वो हट जाएंगे और शुभ योगों का निर्माण होगा। बात करें वृषभ राशि के जातकों के लिए,
तो दोस्तों वृषभ राशि के अंतर्गत आपको भी कई ग्रहों के राजयोग के बनने से लाभ होगा, जैसे कि राहु केतु के राजयोग बनने से और साथ ही शनि और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी बरसेगी, जिसके कारण कई राजयोग धनियों का निर्माण होगा, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा से वृषभ राशि के अंतर्गत आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, व्यापार चलेगा, कारोबार में उन्नत होगी, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार में आपको उच्चतम लाभ होगा, रुके हुए तमाम कार्य पूर्ण होंगे और अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। आपको 2024 में भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है और साथ ही साथ आप सफ़ेद चीज़ों को अगर दान करेंगे तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे, यानी कि आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा, यही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहेगा। बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए तो देखें साल 2024 आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा, महत्वपूर्ण सफलताओं की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आय में वृद्धि होगी, तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा, लेकिन गाड़ी वाहन से घटनाओं से संबंधित सावधानी भी बरतने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें वरना नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। बता दें कि मिथुन राशि के आपको सुख सुविधाओं की वृद्धि भी होगी लेकिन कुछ लॉस और घाटा भी सहना पड़ सकता है, लॉटरी सट्टे में पैसा नहीं लगाएं। आपको निश्चित तौर पे भगवान विष्णु जी की पूजा करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है 2024 में, आपको नित्य डेली बहुत ही लाभ होगा, खासकर बुधवार के दिन। बात करें कर्क राशि के आपके लिए तो ये 2024 आपके लिए यानी कि इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी रहेगी, व्यापार में थोड़ा लॉस होने का संभावना बन रहा है, तो वहीं नौकरी में कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, नौकरी से संबंधित कुछ परेशानी देखने को मिलेगी, तो कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर परिणाम और फायदे मिले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो तो थोड़ा सा आपको अपने दम पर और बलबूते पर काम करना होगा, आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना होगा और आप कोशिश करें कि चंद्रदेव की पूजा करें। दोस्तों सिंह राशि को बता दें कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे, शिक्षा में सुधार होगा, कंपटीशन में लाभ होगा, प्रेम जीवन में खुशियां, जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, 2024 आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, धन व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि होगी, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, रुके हुए तमाम कार्य पूर्ण होंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आपको सूर्यदेव की उपासना करें, लाल वस्तु का दान करें तो आपके लिए 2024 बहुत ही लकी रहेगा, अशुभ प्रभाव हट जाएंगे। बात करें कन्या राशि के जातकों आपके लिए तो कन्या राशि को आपके लिए बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ विवाद या फिर कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि जहां पर नौकरी करते हैं स्टाफ के साथ या फिर किसी ऐसे कार्य से आपको यानी कि नुकसान होगा जो आप जल्दबाजी में कर देते हैं, कुछ शत्रु विरोधी गतिविधियां आपके पीछे हावी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, नौकरी में प्रमोशन होने का योग है और उच्चतम लाभ मिलेगा, बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अपने कार्यक्षेत्र पे, जल्दबाजी में अगर कोई भी निर्णय ना ले, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आपको 2024 में उपाय करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी की उपासना करें, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि को बता दें कि 2024 आपके लिए लकी रहेगा, बेनिफिट प्राप्त कराएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, पार्टनर में काम करते हैं तो लाभ होगा, एक दूसरे से सहयोग की प्राप्ति होगी और कोई महत्वपूर्ण आय मिल सकता है, गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा से लाभ होगा, किस्मत चमकेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर मार्केट से भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको इस वर्ष 2024 में आपको ओम शिव शुक्राणु में इस मंत्र का जाप करें और शिव जी की आराधना करें, लाभ होगा, सफेद चीजों का दान करें। बात करें वृश्चिक राशि के जातकों तो देखिए आपके लिए दुर्घटना और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कुछ ऐसे परिणाम भी ला सकते हैं जो आपके लिए परेशानी हो सकती है। देखिए आपके कुंडली के हिसाब से कई राजयोग और धनयोग का निर्माण होगा जिससे आपको 2024 में वृश्चिक राशि को थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए किसी को उधार कर जाना दें, दुर्घटनाओं से सावधानी बरतें, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, उधार कर जाना दें, वाद विवाद से दूरी बनाए रखें, लेकिन कंपटीशन की तैयारी में अगर जुटे हैं परीक्षा वगैरह में तो विशेष लाभ होगा। आपको 2024 में वृश्चिक राशि को लाल चीज़ों को दान करें और आपको बजरंग बली की उपासना करनी है और बजरंग बली को मंगलवार के दिन आप एक मीठा पान और सिंदूर जरूर अर्पित करें, विशेष लाभ होगा। बात करें धनु राशि के जातकों तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, चाहे वो विदेश को लेकर हो, कार्यक्षेत्र को लेकर हो, धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, घर में खुशियों का संचार होगा, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी और इनकम बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होगा, साथ ही घर परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, रुके हुए तमाम कार्य पूर्ण होंगे।
आपको 2024 में पीली चीजों का दान करें और बृहस्पति भगवान की पूजा करें। विशेष लाभ होगा। गुरुवार के दिन केले का दान करें, हल्दी का दान करें। बात करें मकर राशि के जातकों, आपके लिए तो ये 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ होगा, आपका डबल व्यापार चल सकता है, साथ ही साथ मुनाफा भी तेजी से बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजयोग धनयोग बनेंगे, देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की कृपा राहु केतु के राजयोग से भी लाभ होंगे, कई महत्वपूर्ण योग बनेंगे आपके लिए 2024 में, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। नौकरी विदेश जा सकते हैं, नौकरी करने के लिए विदेश में अगर रहते हैं तो वहाँ पर बिजनेस व्यापार तेजी से चल सकता है। तो आपको शनिदेव की पूजा करनी है और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें कुंभ राशि के अर्थकों, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इनकम को बढ़ाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, मान सम्मान बड़े भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति होगी, प्रमोशन बढ़ेगा, सैलरी में वृद्धि होगी, कई अच्छे परिणाम होंगे, समाज में मान सम्मान और राजनीतिक मसले हल होंगे, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ऊँची रहेगी। आपको शनिदेव की उपासना करना है, काली उड़द का दान करें, काले तिल का दान करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करें मीन राशि के जातकों, तो देखिए विदेश की यात्रा होगी, विदेश से संबंधित लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, लॉटरी सट्टा में नुकसान हो सकता है, इसलिए पैसे ना लगाएं। और स्वास्थ्य में समस्या पारिवारिक जीवन में भी हो सकती है, थोड़े से कोर्ट कचहरी के मामले या फिर कुछ परेशानी हो सकती है, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और किसी को उधार कर्जा ना दें, वरना लॉस हो सकता है, घाटे में हो सकते हैं। आपको पीली चीज़ों का दान करना है, बृहस्पति भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की, तो इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये था 2024 में इन राशियों के लिए राशिफल। इनमें से कुछ राशि वालों की किस्मत चमकेगी, इनमें से कुछ राशियाँ बनेंगी करोड़पति और कुछ राशियों की लॉटरी लगेगी, लेकिन कुछ राशियों को नुकसान भी हो रहा है, इसलिए इन्हें सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।